बड़ा सवाल तो यही है कि दुनिया तो अनलॉक हो गई है, आप अभी भी लॉकडाउन में ही हैं? विक्रांत, मैं 15 मार्च के बाद किसी को मिला नहीं हूँ। अच्छा। मैं सारे डायरेक्टिव जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने दिए हुए वो सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ। तो हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि ऑलमोस्ट अभी 3.5 महीने से ऊपर समय बीत गया कि मैं किसी से मिला नहीं हूँ, बिल्कुल घर से बाहर नहीं गया। और देखिए दुनिया इस दौरान कितनी बदल गई है। आज से ठीक 3 महीने पहले आखिरी इंटरनेशनल मैच हुआ था, तब हमें भी नहीं अंदाजा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन दुनिया बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल चेंज हो गई है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हमारे लिए 2020 ने स्टोर में रखा है, क्योंकि जब 2020 शुरू हुआ तो बहुत धूमधाम से मनाया था। 31 दिसंबर जो हमने मनाया था तो सारे फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हुए थे, मगर उसके बाद वैसे जो एक गेट टुगेदर कहते हैं सारे दोस्तों को, यारों दोस्तों को मिलना, वो हुआ नहीं है। ये किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे होगा। और आपके लिए लॉकडाउन कैसा रहा, आपका खुद का एक्सपीरियंस? आई नो इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने इस लॉकडाउन के जरिए क्या क्या किया? देखो मुझे लगता है ये लॉकडाउन सभी के लिए चैलेंजिंग रहा है, मगर कोई कोई चीजें ऐसी होती है कि हम जब तक सब इकट्ठा आके इसके अगेंस्ट फाइट नहीं करते तो मुझे नहीं लगता रिजल्ट लग सकते। तो इस लॉकडाउन में हमने सारे फैमिली मेंबर्स ने यही डिसाइड किया था कि हम बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे कहीं, और जो सारी प्रिकॉशंस लेनी है वो सारी प्रिकॉशंस लेंगे, बट एट द सेम टाइम कि लाइफ एंजॉय कैसे कर सकते एक दूसरे की कंपनी, तो बड़ी मुश्किल से ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ इतना टाइम बिता पाते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें की है, कुकिंग की है, आपने तो देखा होगा कि मैंने हेयर कटिंग भी किया हुआ है, खुद के हेयर कट मैंने 2 बार मैंने खुद को हेयर कट दिया हुआ है। आपने अर्जुन का भी तो किया था? अर्जुन को 1 बार दिया हेयर कट, तो ये सारी चीजें चालू थी, और घर के काम वगैरह सब कुछ, हमारी जो मीटिंग्स होती थी तो वो जूम कॉल पे मीटिंग्स होती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो अभी मिल के नहीं हो सकती एक दूसरे के साथ, को वाया ये वीडियो कॉल से हो जाती है। और अगर टीम के बारे में बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है वो बहुत इफेक्टिव रही है इस समय, क्योंकि ये बड़ी एडजस्टमेंट है, वो सबको करनी पड़ेगी। ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अगले कुछ दिनों की बात है, ये प्रिकॉशन हमें काफ़ी समय तक लेने पड़ेंगे। और मुझे याद है आप यूनिसेफ के उस कैंपेन में थे, वॉश द हैंड्स, कई साल पहले आप कैंपेन करते थे, आपके एडवर्टीजमेंट्स आती थी कि हाथ धोने चाहिए, उस वक्त तो बहुत लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज दुनिया में हर को हाथ ही धो रहा है। काफी टाइम से हम यही मैसेज देना चाह रहे थे कि जो भी डायरियल रिलेटेड डिसीज होते हैं जी, वो सारे प्रॉब्लम्स हाथ ना धोने से होते हैं। सिंपल चीजें जैसे आप वॉशरूम जाते हो तो वहां से बाहर आने के पहले आप साबुन से हाथ धोइए, ये सारी चीजें बहुत अहम होती है। हम अपनी हेल्थ को ग्रांटेड पकड़ लेते हैं, तो मेरी वापस अभी ऑन एयर है, तो मैं वापस यही रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि अपनी हेल्थ ग्रांटेड ना पकड़िए। तो छोटी छोटी चीजें ये होती है वो अपने को अपनी हेल्थ सेहत अच्छी रखने में बहुत मदद करती है। तो हमारा मैसेज यही था सालों साल से कि सैनिटाइजेशन जो है और जो हाइजीन है उसे मेंटेन कर रखिए, क्योंकि उससे बहुत सारे डिजीज को हम दूर रख सकते हैं। और क्योंकि आपने इम्यूनिटी की बात की है, और इम्यूनिटी की बात करते हैं लोग कि देखिए जिसकी इम्यूनिटी बेटर है वो ज़्यादा तंदुरुस्त रह सकता है, वो शायद इस लड़ाई से लड़ भी सकता है। मैं एक बड़ा दिलचस्प ये आंकड़ा देख रहा था कि अभी जैसे वर्ल्ड टबेको डे था 31 मई को, और मैंने सारा एनालाइज करके देखा, आपने जो 24 साल का आपका इंटरनेशनल करियर था और उसके बाद किसी लिकर ब्रांड को और किसी टबेको ब्रांड को आपने एंडोर्स नहीं किया, इसकी कोई खास वजह थी? हालांकि देखिए जो भी है माली तौर पर आपको नुकसान भी हुआ होगा, या मैं नुकसान नहीं कहूंगा लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसा स्टेक पर भी रहा होगा, तो इसकी वजह क्या थी? ये मेरा प्रॉमिस था मेरे फादर को कि अच्छा। मुझे अभी भी याद है बहुत साल पहले, ये अर्ली 90s की बात रहेगी, और मेरे फादर ने मुझे कहा था कि देखो एक तुम रोल मॉडल बनने के रास्ते पर चल रहे हो,
कुछ सालों बाद लोग तुम्हें रोल मॉडल करके देखेंगे और जो तुम करोगे वही फॉलो करना चाहेंगे। तो दो चीज मैं कहूंगा कि तुम वो दो चीज को कभी प्रमोट नहीं करना, विच इज टोबैको और दूसरी चीज है अल्कोहल। तो एक चीज मुझे याद आती है, क्योंकि आई थिंक मिड 90s में कुछ समय ऐसा था कि ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तक कि मेरे बैट पे बिल्कुल स्टिकर था नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं मेरे पास और मैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट खेल रहा था। मगर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट नंबर 1 to 11 प्लेयर दोनों दो ब्रांड के साथ थे, बिल्कुल मुझे याद है, विल्स और दूसरा था फोर स्क्वायर। तो वहाँ पे मैंने मेरे फादर को जो प्रॉमिस दिया था वो मैंने तोड़ा नहीं और वो चालू रहा है कि मुझे कई ऑफर्स आए कि एक चाहे तो एक सीरीज खेल लो, पूरा साल खेलने की जरूरत नहीं है, मगर एक सीरीज के लिए हमारा स्टिकर लगा दो आपके बैट पे। तो उससे एक अलग तरह से तुम्हें भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स रहेंगे, मगर वो सारी चीजें मुझे प्रमोट नहीं करनी थी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये दो चीजें इनसे मैं दूर रहा हूँ, इन्हें प्रमोट नहीं किया है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मेरे फादर का प्रॉमिस निकल है।